बिहार में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। देश में कोरोना की पहली लहर के बीच जहां बिहार में अधिकतम एक दिन में 3,999 मामले सामने आए थे, वहीं आज एक साल बाद जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, तो बिहार में भी रोजाना 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल में न बेड मिल रहा है, न जांच कराने पहुंचे लोगों को रिपोर्ट। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भारतीय सेना से डॉक्टरों की मांग की। आर्मी डॉक्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, बीटा का जो हॉस्पिटल है, क्या उसके लिए आर्मी डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है? डीआरडीओ के माध्यम से वो अस्पताल संचालित हुआ था। एक बार फिर से हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो ऐसे चिकित्सक हैं उन चिकित्सकों की उपलब्धता हो जाएगी। तो अभी 50 बेड वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वहाँ भी हम बेडों की संख्या और बढ़ा लेंगे और हमें उम्मीद है कि ये सहयोग मिले। भारत सरकार एवं डीआरडीओ की तरफ से बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसी अस्पताल के लिए इंडियन आर्मी के डॉक्टरों की मदद मांगी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बीते एक साल में भी सरकार ने सबक लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बकायदा फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में हालात बहुत भयावह हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 2 अधिकारियों और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई। आम लोगों के बारे में कल्पना कीजिए, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी भर्ती हो चुके हैं। पटना में भी कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य सचिव ने भारतीय सेना से डॉक्टरों की मांग की है। कोरोना की शुरुआत से ही मैं बार बार बिहार सरकार को अपने असंवेदनशील रवैये से जगाने और अस्पताल की क्षमता बढ़ाने, टेस्टिंग बढ़ाने, मेकशिफ्ट अस्पताल, क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने और बिहार आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग करने की बात करता था। बिहार के मुख्यमंत्री से बार बार कहता रहा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन स्टॉक की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन सब बहरे बने रहे। समस्या को ठीक करने के बजाय हेडलाइन, ईमानदार अधिकारियों और कोरोना के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री ने एक साल बर्बाद कर दिया और राज्य को उसी हाल पर छोड़ दिया जिस हाल में एक साल पहले था। पत्रकारों ने भी स्वास्थ्य मंत्री से टेस्टिंग में देरी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जुड़े कई सवाल पूछे। हर सवाल के जवाब में मंत्री यही कहते रहे कि सभी त्रुटियों पर सरकार काम कर रही है। रिपोर्ट आने में बहुत लेट हो रहा है, कल एनएमसीएच में लोगों ने कहा कि 8-8 दिन तक रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हर व्यवस्थाओं में यदि कहीं भी कोई त्रुटि, जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं, तो हर व्यवस्थाओं को तुरंत चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास हम सब लोग वारफुट लेवल पे कर रहे हैं। शमशान घरों में लाख मशीनें खराब हैं। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और 50% बसों में, वो फॉलो नहीं हो रहा है सर। इन दोनों इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और जन सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जिसमें प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी की जाती है, जरूरत पड़ने पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जन सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए जिन विषयों पे आपने ध्यान दिलाया है उसमें हम आम जनों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अब भले ही स्वास्थ्य मंत्री त्रुटियों पर काम करने का आश्वासन दे रहे हों, लेकिन सवाल उठता है कि बीते एक साल में सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की ज्यादा से ज्यादा बहाली क्यों नहीं की गई? स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।